दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज राइजर। आज हम बात कर रहे हैं जेफ बेजोस की। हाल ही में आपने सुना होगा कि अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस लोगों को अंतरिक्ष की सैर कराने वाले। जेफ बेजोस जो दुनिया के सबसे रईस आदमी अंतरिक्ष की सैर पर निकले हैं। बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के विमान न्यू शेफर्ड से 20 जुलाई को अंतरिक्ष के लिए निकलेंगे। अब आप कहेंगे 20 जुलाई में ऐसा क्या खास है जो इस दिन को ही उड़ान के लिए चुना गया? तो हम आपको बता दें, 20 जुलाई 1969 को अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के अपोलो मिशन ने चांद पर कदम रखा था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने। 1994 में एक ऑनलाइन बुक शॉप से अपनी करियर की शुरुआत करने वाले बेजोस को अंतरिक्ष में जाने का जुनून इस कदर है कि उन्होंने अमेज़न के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। इस सफर पर बेजोस अकेले नहीं जा रहे, साथ में उनके भाई मार्क बेजोस और एक और पर्सन जिसके नाम का खुलासा अभी तक नहीं किया गया, पर बताया जा रहा है इस अननोन पर्सन ने इस ट्रिप के लिए $28 मिलियन यानी 2 अरब रुपए दिए हैं, जिसे नीलामी द्वारा चुना गया है। 10 मिनट चली नीलामी के दौरान दुनिया के 159 देशों के 7600 लोगों ने इसके लिए रजिस्टर किया। न्यू शेफर्ड इससे पहले 15 उड़ान भर चुका है, पर यह पहली बार होगा जब वो किसी इंसान को अंतरिक्ष की सैर पर ले जाएगा। बेजोस की अंतरिक्ष की ये ट्रिप मात्र 11 मिनट की होगी। बेजोस इस ट्रिप के लिए काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि धरती को अंतरिक्ष से देखना आपको बदल देता है। बेजोस का यह स्पेसशिप पूरी तरह सेल्फ ऑटोमेटेड है, जिसमें पायलट की जरूरत नहीं है। यह स्पेस से वेस्ट टेक्सास के रेगिस्तान से 20 जुलाई को उड़ान भरेगा। चारों पैसेंजर्स अर्थ एटमॉस्फेयर और स्पेस के बीच 4 मिनट तक अंतरिक्ष की सैर कर पाएंगे, जहां वे बिल्कुल वेटलेस महसूस करेंगे। हम आपको बता दें, जिस स्पेसशिप का यूज बेजोस कर रहे हैं, अगर उसमें कोई खराबी आ जाती है तो उस स्पेसशिप के कैप्सूल बीच रास्ते में ही रॉकेट से अलग हो जाएगा। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर इसका पैराशूट नहीं खुलता फिर भी वे आसानी से धरती पर उतर सके। बेजोस को अपने स्पेसशिप की सेफ्टी पर पूरा भरोसा, पर कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक यह स्पेस ट्रिप पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि अंतरिक्ष की सैर करने का सपना सिर्फ बेजोस ही देख रहे हैं। इसमें उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर टेस्ला के मालिक एलन मस्क और ब्रिटिश बिलियनर रिचर्ड ब्रांसन, जो कि वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक हैं, शामिल हैं। एक खबर के मुताबिक ऐसा भी हो सकता है कि रिचर्ड ब्रांसन जेफ बेजोस को बीट कर दें। जी हाँ, वर्जिन गैलेक्टिक एक प्लान पर काम कर रही है जिसमें ब्रांसन उनके रॉकेट बीएसएस यूनिटी स्पेसशिप 2 से 4 जुलाई को सब ऑर्बिटल स्पेस में जा सकते हैं। ब्रांसन को स्पेस में ले जाने से पहले वर्जिन गैलेक्टिक को कमर्शियली रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट ऑपरेटर लाइसेंस लेना पड़ेगा। यदि ब्रांसन बेजोस से पहले स्पेस में जाते हैं तो ये डिबेट हो सकती है कि वे असली में स्पेस गए हैं कि नहीं, क्योंकि FAA के मुताबिक बाउंड्री ऑफ स्पेस धरती से करीब 80.4 किलोमीटर दूर है। वहीं द फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल के मुताबिक यह करीब 100 किलोमीटर दूर है, जिसे हम कार्बन लाइन से भी जानते हैं। बीएसएस यूनिटी ने अभी तक 50 किलोमीटर से ऊपर 3 बार फ्लाइट भरी है, लेकिन कभी कार्बन लाइन पार नहीं की। वही जेफ बेजोस की न्यू शेफर्ड ने 100 किलोमीटर से ऊपर 15 में से 12 बार ऊंची उड़ान भरी है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।